हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम सोनम। सो गाइज, इन टुडेज वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माई टॉप टू मोस्ट इफेक्टिव होम रेमेडीज फॉर डैंड्रफ। आई नो विंटर्स में मॉइस्चर जो है वो बहुत कम हो जाता है विंड में, जिससे आपकी स्किन ड्राई फील करती है, हमारे लिप्स जो है वो चैपी फील करते हैं, हमारी स्कैल्प में भी बहुत इचनेस पड़ जाती है। सो वो जो ड्राइनेस होती है स्कैल्प में, वो डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है। तभी आप सोचते हो कि आपको विंटर में इतनी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्यों होती है। सो नाउ यू नो द रीज़न, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। आई डू हैव अ रेमेडी फॉर यू ऑल, आप जिसको यूज़ करोगे एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर फर्स्ट वॉश। यस, पहली बार में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एंड अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको आप दोबारा ट्राई करो वीक में दो बार एंड इट विल कम्प्लीटली गॉन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो फॉर माई फर्स्ट मैथड वी विल टेक मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम हिंदी में सरसों के तेल के नाम से भी जानते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इसके बेनिफिट, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को हटाती हैं एंड हमारे स्कैल्प को डीपली नरिश करती हैं, हमारे हेयर को डीपली कंडीशन प्रोवाइड करती हैं, हमारे बाल हेल्दी फील करते हैं। देन वी विल टेक लेमन, जिसे हम हिंदी में नींबू के नाम से जानते हैं। एंड अगर मैं इसके बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो इट हैज़ विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड एंड आयरन एज वेल, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले कटोरी में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये मैं अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ 2 चम्मच, आपके बाल जितने लंबे हैं आप उतने ले सकते हैं। हम इस ऑयल में 1 नींबू ऐड करेंगे। अब हम इसे 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ये पैक रेडी हो चुका है। इसे हम कॉटन बोल या अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेंगे अपने हेयर वॉश करने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले। अब फिर हम अच्छे से इसे वॉश कर देंगे। आप देख सकते हो इसे बनाना कितना ईजी है, ये आपके डैंड्रफ को पहली वॉश में ही ख़त्म कर देगा। सो फॉर माई सेकेंड मैथड वी विल नीड मेथी का दाना, जिसे इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। एंड इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज एंड ये हाई इन प्रोटीन होते हैं, जो हमारे बालों को हेल्प करते हैं टूटने से, झड़ने से, और ये हमारे बालों को घने भी बनाते हैं। इस पैक को बनाने के लिए आप इसे एटलीस्ट 2 घंटे पहले भिगो कर रख दें, पेस्ट बना लें विद द हेल्प ऑफ अ मिक्सर। मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगोने को रख दिया था। ये पेस्ट बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप बहुत ज़्यादा पानी में इसे ना भिगोएं, बिकॉज वही पानी जिसमें हमने भिगोया था उसी पानी के साथ हम इसे ग्राइंड करेंगे। देन वी विल नीड कर्ड। कर्ड को नेचुरल एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड ये हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। अब नेक्स्ट वी विल टेक एलोवेरा। एलोवेरा के यूजेस में आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो मैं एलोवेरा के अच्छे अच्छे यूजेस आपको बताऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर मैं बात करूं डैंड्रफ से रिलेटेड, तो ये हमारे स्कैल्प को एकदम अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है, कंडीशन कर देता है, जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एंड अगर आपके स्कैल्प में रोटेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, ये उसमें भी हेल्प करता है अच्छे तरीके से। इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा उसके बाद। देन वी विल टेक लेमन। लेमन के बेनिफिट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कितना हेल्प करता है डैंड्रफ को रिड्यूस करने में। देन वी विल नीड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है, जो डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करता है। देन वी विल नीड विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हमारे स्कैल्प को हार्श यूवी रेस से बचाता है एंड हमारे स्कैल्प के इरिटेशन को रिड्यूस करता है एंड ये हेल्प करता है डैंड्रफ को रिड्यूस करने में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे और उसमें मेथी के पेस्ट को ऐड करेंगे।
ये मैं अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ। आपके बाल जितने लंबे हैं आप उस हिसाब से लें। अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। अब हम इस पैक में 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डालेंगे। अब हम इसमें 1 विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू ऐड करेंगे। अब हम इस पैक में 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। अगर आपके पास होममेड नहीं है तो आप मार्केट वाला भी जेल यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का। अब आप इस पैक को 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिला लें, बहुत अच्छे से मिलाएं आप इसे। हमारा सेकेंड हेयर पैक भी बनके रेडी हो चुका है। आप इसे हेयर वॉश करने के 1 घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से लगा लें, स्कैल्प में अच्छे से लगा लें और फिर आप हेयर वॉश करें। एंड वन मोर थिंग गाइस, मेथी जो है वो गीले बालों में अच्छे तरीके से नहीं निकलता है, तो आप बहुत ज़्यादा शैम्पू का यूज़ ना करें। जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएंगे। ये वाला पैक थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इसमें ना तो सिर्फ आपके डैंड्रफ जाएंगे, इनफैक्ट आपके बाल झड़ने से भी रुकेंगे और बालों में वॉल्यूम भी आएगी और बाल आपके स्मूथ और शाइनी भी होंगे। सो दैट वॉज इट फॉर माई टुडेज वीडियो। अगर आप ये ट्राई करते हो सो डू लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।